हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ जिंगस। आज हम स्पिंडर ड्राइव मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, जनरली तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ ये कहाँ यूज़ होता है। ये हम लेथ मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं, सीएनसी मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट के बता दूँ मैं क्या क्या है इसके अंदर कंपोनेंट यूज़ हुए हैं। एक तो स्पिंडल मोटर होता है, ताकि जिससे हम स्पिंडल को घुमा सकें। कि कन्वेयर बेल्ट होता है, का तो गियर्स हम यूज़ करते हैं। चेन्स हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे नॉइस ज़्यादा होता है और हमें इंडस्ट्री के अंदर नॉइस कम चाहिए होता है। ये चक होता है, का तो वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, कॉलेट है या कोई भी चीज़ जिसके हम बीच में हम वर्क पीस को फिट क्लैंप करते हैं, का तो फिट करते हैं, जिसके से रोटेट हो रहा होता है। ओके, अभी जैसे स्पिंडल मोटर को हम पावर देंगे, वो रोटेट करेगा, जिसके से बेल्ट भी नीचे रोटेट करेगा। इन दोनों की एक्सिस परपेंडिकुलर ही रहती है। ओके, इसकी एक्सिस ये है, तो ये बेल्ट परपेंडिकुलर रहता है उसके। ओके, भी जैसे ही स्पीड पे ये घूम रहा होगा, उतनी स्पीड पे ये घूम रहा होगा, और ये स्पिंडल से कनेक्टेड है। ओके, और स्पिंडल वर्क पीस से, वर्क होल्डिंग डिवाइस के मदद से। ओके, तो इसके वजह से जैसे ही स्पीड पे ये रोटेट कर रहा होगा, ये गियर उतनी स्पीड पे वर्क पीस भी रोटेट कर रहा होगा। डिफरेंट डिफरेंट हम गियर्स कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसकी स्पीड बढ़ानी हो या घटानी है, क्योंकि मोटर तो एक ही स्पीड में रोटेट हो रहा होगा इसका स्पिंडल। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट गियर्स लगा सकते हैं, ताकि हम डिफरेंट स्पीड यहाँ पे ऑब्टेन कर सकें। थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।